हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने अनाउंस की है मॉनेटरी पॉलिसी। इसके जो की टेकअवेज हैं वो आपको बता देते हैं। रेपो रेट और रिवर्स जो रेपो रेट है वो अनचेंज्ड है। रेपो रेट इज स्टिल 4%, रिवर्स रेपो रेट इज स्टिल 3.35%। इसी के साथ साथ जो ई रूपी पर जो डिजिटल वाउचर्स होते थे वो 10,000 रूपये से बढ़ा के 1,00,000 रूपये उसे कर दिया गया है। जो रिटेल इन्फ्लेशन की बात की है वो 4% तक की है। 2022-23 साल के लिए जीडीपी ग्रोथ जो प्रोजेक्ट की गई है वो 7.8% के लिए की गई है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विल्मर, वो अडानी ग्रुप से 7th कंपनी है जो पब्लिक हुई। इनके आईपीओ के आने के 3 दिन बाद जो अब इनका शेयर प्राइस है वो 65% ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। इनके आईपीओ की जो वैल्यू थी वो 230 पर पीस थी और आज की डेट में इनकी जो वैल्यू है वो 50,000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। मार्केट वैल्यू अगर देखी जाए तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आईपीओ में से ये एक आईपीओ रहा। सुपरटेक ट्विन टावर का केस आप में से काफी लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन हमने उस पर एक पूरी केस स्टडी बनाई थी जिसमें मतलब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड केस था, ठीक है, लेकिन हमने 5 मिनट के एक वीडियो में सब कुछ समराइज करके काफी सिंपली बताया था। तो वो वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी, अगर आप भूल गए हो तो देख लीजिएगा, नहीं भूले हो तो भी एक बार रिविजन करने के लिए देख लीजिएगा। तो जो वो मतलब उसका एंड रिजल्ट ही आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब सुपरटेक ही इन ट्विन टावर्स को खुद डिमोलिश करेगा विद इन 3 मंथ्स। ये बात थी सितंबर की जब ये मतलब ये एक रिजल्ट आया था, ये फैसला आया था, लेकिन अभी तक डिमोलिशन हुआ नहीं है। अब फाइनली जो सुपरटेक के जो भी मतलब जो उनकी तरफ से बयान आया है वो ये आया है कि मई 2022 तक ये डिमोलिश कर देंगे। एक कंपनी को इन्होंने काम सौंप दिया डिमोलिश करने का, तो काफी टाइम इन्हें लग गया लेकिन अब मई 2022 तक डिमोलिश हो जाएगी। काफी टाइम मतलब इन्होंने दरअसल पिटीशन भी फाइल कर दी थी काफी कोर्ट्स में ताकि बच जाएं, लेकिन बची नहीं। अब ये डिमोलिश होंगी मई 2022 तक। क्वार्टर 3 यानी कि अक्टूबर दिसंबर जो क्वार्टर था उसमें नाइका का 59.5% ईयर ऑन ईयर फॉल हुआ है। भाई साहब पिछले साल क्वार्टर 3 में इनकी जो वैल्यू थी वो 69 करोड़ समथिंग थी और इस साल 27.9 करोड़ रह गई है। ANI को एक इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का बिजनेस करने में कोई बिजनेस है नहीं। मतलब मोदी जी ने ये कहा है कि सरकार का मेन काम यह है कि गरीबों को खाना दिया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, साफ पानी पीने को उन्हें मिले, छोटे किसानों की मदद की जाए। उन्होंने कहा अगर इसे कुछ लोग सोशलिज्म कहेंगे तो मैं तैयार हूं, लेकिन सरकार को बिजनेस करने में का कोई बिजनेस है नहीं उनका। आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप उनके इस बयान से कितने सहमत हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने से एक दिन पहले यानी कि कल के दिन में बीएसई में तो चांदी ही चांदी हो गई। जो सेंसेक्स है वो 657 पॉइंट्स ऊपर जाके रुका, निफ्टी 17,653 समथिंग पर क्लोज हुआ। मान्यवर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, बेसिकली एक फैशन ब्रांड है जो एथनिक वियर्स में डील करता है। मान्यवर कुर्ता है भाई, विराट कोहली एड करते हैं मान्यवर के कुर्तों की। तो चीज ये हुई है कि मान्यवर की जो पेरेंट कंपनी है इनके ओनर है वेदांत फैशन, उन्होंने अपना आईपीओ निकाला था 4 फरवरी को और उसका क्लोजिंग डे था आज और वो 2.57 टाइम सब्सक्राइब हुए हैं। एक दिन अचानक खबर आती है कि अब मुकेश अंबानी एशिया के रिचेस्ट मैन नहीं रहे, उन्हें सरपास किया गौतम अडानी ने। और अगले दिन फिर खबर आती है कि गौतम अडानी को दोबारा पीछे छोड़ दिया मुकेश अंबानी ने। एक दिन में ही मुकेश अंबानी की जो मतलब वेल्थ थी वो 89.2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई और अडानी साहब की 86.3 बिलियन डॉलर्स रह गई। तो एक पाकिस्तान ह्यूंडई डीलर ने कुछ एक ऐसी पोस्ट की कश्मीर के ऊपर जिससे इंडियन लोगों के सेंटिमेंट्स काफी हर्ट हुए। इसी के साथ साथ किया, टोयोटा, ह्यूंडई इन सब के जो पाकिस्तानी डीलर्स थे उन्होंने भी यही किया। इसके बाद जब इस पर आउटरेज भड़का इंडिया में तो इन सभी कंपनीज ने अपोलोजीज मांगी और कहा कि कोई भी हर्ट हुआ है तो हम उसे माफी चाहते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ये इंडिया को प्राइमरी अपना वो मार्केट मानते हैं और इंडिया के ऑडियंस के लिए काम करते हैं, तो इन्होंने बेसिकली इस बात के लिए माफी मांगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या ये जो कंपनीज हैं इनके जो इंटरनेशनल डीलर्स हैं उन्हें ऐसे बयान करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। भारत की जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री है वो अभी चाह रहे हैं कि सरकार ने जो 30% टैक्स लगाया है क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर उसको रिवाइज करके थोड़ा कम कर दिया जाए। अगर आप सोच रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूं तो एक मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया था, केस स्टडी बनाई थी बजट 2022 पर, वो भी मैं लिंक कर दूंगी वीडियो के एंड में।
तो वो जो उसमें क्या आया था कि अब से क्रिप्टो करेंसी के कोई भी ट्रांजैक्शन होंगे, भले आप किसी को गिफ्ट ही क्यों ना कर रहे हो, उस पर 30% टैक्स लगेगा। अब जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री है इंडिया की, ये चाहते हैं कि एक बार सरकार इस पे दोबारा ख्याल कर ले, थोड़ा सा सुझाव ले ले इनसे भी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि भारत सरकार इस टैक्सेशन को कम करेगी या उन्हें करना चाहिए या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Redmi ने लॉन्च किए हैं 3 नए प्रोडक्ट्स। एक इनकी नोट 11 सीरीज आ गई है, एक स्मार्ट वॉच आ गई है जो कि स्पोर्ट्स प्रो होगी, और एक टीवी भी लॉन्च कर दिया है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।